कॉफी बना रहा है? नहीं, पावर पफ गर्ल्स बना रहा हूँ। ऐसे उठा दूँ है ऐसे राजकुमार, तो जब वो उठेगा तभी सुबह है। नीचे तो उतारा नहीं जा रहा, तेरे सर पे गधी लिखना है। तो यार तेरे चक्कर में गलत डीटी चल रही, पीछे हो जा। मेरा तो बस चटे, मैं लोगों से तेरे हाथ कटवा दूंगा आज। सारी लड़कियां देख रही हैं आज, 10 में से 4 नंबर दिए तेरे को मेरे मीटिंग में। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। टाइम हो रहा है सुबह के 4 बजे। सो गाइस, हमारा काम अभी खत्म हुआ है और हम आए हुए वॉक पे। मेरा अभी भी नहीं हुआ। मैंने जो अप्रोच सोची है कि नहीं लगाऊंगी अपने केस पे, उसको लगाने में टाइम लगेगा। तो लग रहा है जगराता होगा आज का। बाबू जगराता रात को होता है, अब दिन होने वाला है आधे घंटे में। जगराता हो चुका है। कीरत बोले 4 o'clock, वैसे 4:15 हो रहे टाइम। और हम दोनों पूरी रात से सोए नहीं है, तो हमने कहा वॉक पे चलते हैं, टाइम भी स्पेंड करना है एक दूसरे के साथ, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। वरना घर में बैठे बैठे ना थोड़ी सी इरिटेशन होने लग जाती है। और टेम्परेचर बता दो सबको। 0 degrees का टेम्परेचर है। और अभी हम कहाँ से कॉफी, तो कहाँ से ले सकते हैं अभी हम? वो देंगे नहीं क्योंकि ड्राइव थ्रू होता है, गाड़ी थोड़ी वापस लेने जाएंगे। मिस करेगा ये गलियां? मैं हमेशा के लिए नहीं जा रहा, बट यहाँ इस लोकेलिटी से तो जाएंगे। अच्छा, घर शिफ्ट तो नहीं करेंगे? मुझे लगा तो इंडिया के उसमें कह रही है। यहाँ पे वॉकी वॉकी नहीं करेंगे, हम कहीं और करेंगे वॉकी वॉकी। बट हम याद रखेंगे यहाँ पे हमने कितने सपने बुने थे अपने। अरे यार कितने पूरे किए, बहुत मतलब अमेजिंग टाइम याद है जब घर लेना था यहाँ पे, हम ऐसे करते होते थे। हाँ। यही डिस्कशन करते रहते थे कि कितना डाउन पेमेंट कर पाएंगे, पैसे इतने क्या करेंगे, करने पड़ेंगे, है ना। और ऐसा लगता था पता नहीं हो पाएगा या नहीं, मतलब घर के टाइम पे हम यही डिस्कशन करते थे कि भाई कितनी डाउन पेमेंट करनी है, कैसे पॉसिबल होगा, रेनोस के लिए पैसा कहाँ से लेके आएंगे। भैया जी बहुत जल्दी में है। और याद है कैसे हमने ऐसे करके सेव करा था स्टार्टिंग में, कम ज्यादा वो नहीं करते थे। मतलब ये देखो कि जहाँ पे हम वॉक करते हैं वहाँ पे ये इतना बड़ा नए घर मिल रहे हैं, बड़े सारे घर इतने महंगे थे, 8 लाख 7 लाख ऐसे ऐसे वाले, तो हम फिर अपसेट हो गए थे। हमने याद है इनकी ब्रोशर लेके भी कॉल किया। हमें लगता था हमें तो पता नहीं अब कितना ही टाइम लग जाएगा जोड़ने में अपना घर लेने में, शायद थोड़ा और वेट कर लेते हैं। बट फाइनली हमने डिसाइड करा, लेट्स स्टार्ट विद अ स्मॉल वन। यस, लेट्स गेट इनटू, लेट्स स्टार्ट विद स्मॉल वन एंड ओल्डर वन आल्सो। हां हां हां, एग्जैक्टली। गाइस मुझे लगता है कि घर के पूरे डिसीजन में ना एक जो राइट चीज चाहिए सबको वो है काउंसलिंग। जब हमने भी डिसाइड किया था तभी बहुत लोगों ने हमें रोका था, कहते कि मत लो, कोई घर नहीं मिलेगा पुराना मत लो, या फिर इतने जितना तुम्हारा बजट है 3.5 लाख में वैसे कुछ नहीं मिलेगा, तो तुम वेट करो 4.5 तक जोड़ो, 5 तक जोड़ो। बट अभी के हिसाब से देखो हम बस घुस गए, हमारे दिमाग में था बस घुस जाते हैं मार्केट में, जो रेंट दे रहे हैं ना उसको इक्विटी में कन्वर्ट करते हैं। और फिर हमने कैलकुलेट किया, जो मैं बहुत जोर की झटका लगा था वो ये था कि भाई 2 साल का रेंट इज $30,000, और वो भी अगर हम स्टेग्नेंट रेंट रखते हैं, सेम रेंट, रेंट बढ़ाते नहीं है, तो फिर ऐसे बड़ा एकदम से चुभा था। अब समझ में आया कि भाई घुस जाओ, घुसते ही चीज़ों की प्राइस बढ़ गई, सब कुछ हो गया, अच्छी बात है और हम अफोर्ड कर पाएंगे। अब इसके बाद जब भी अपग्रेड करना हो कर सकते हैं, एटलीस्ट मार्केट में घुसना, दैट्स द वन रूल दैट यू शुड कीप इन योर माइंड। आप जब भी आओ यहाँ पे ट्राई करो अपना थोड़ा सेविंग्स करते जाओ, है ना। आपको बहुत सारी चीजें फैसिनेट करेंगी, लाइक नई गाड़ी ले लें, अभी भी करती है। यू हैव टू चूज योर बैटल्स। यस, सो लगे रहो, बस घर की तरफ सेव रखना। पीछे जो गैस थी वो थी 205 और यहाँ पे 209 हो गई है। 210 ही कर ले उसके लिए, तो मुझे वो 40 मिलन चाहिए। तो ओ भाई गैस छोड़, मैं फोन भी नहीं अफोर्ड कर पाऊंगा। फिर तो बड़ी सैड आजकल, वेरी मैड। सो हमारी कॉफी रिचुअल करेंगे आधे घंटे बाद, क्योंकि 5 बजे खुलेगा ये, अभी 4:30 बजे। तो कीरत के पास एक मैसेज है, वो ये है। तो देखो ये सब आपको गाड़ियां बहुत अट्रैक्ट करेंगी आते साथ, तो भाई ले लेते हैं, हाई इंटरेस्ट में आपको मिल जाएगी गाड़ियां, ठीक है। उसके बाद जो क्रेडिट स्कोर हिट होगा आपका, फिर निकालते सारी गाड़ी 10,000 डाउन डेप्रिसिएशन, ठीक है। लेकिन अगर आप इन पैसों को सेव करोगे, थोड़ी छोटी गाड़ी नॉर्मल गाड़ी लोगे जिसपे इंटरेस्ट रेट कम होगा, ठीक है, अपना नॉर्मल अपना लाइफस्टाइल थोड़ा रखोगे, एंड यू सेव दैट मनी टुवर्ड्स योर डाउन पेमेंट ऑफ योर हाउस, दैट्स गोना गिव यू लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स फॉर श्योर। लॉन्ग टर्म क्या, शॉर्ट टर्म दे देगी। देखो दोस्तों गाड़ी के ऊपर कैसे बर्फ जम गई है। नहीं मतलब वो थोड़ी थोड़ी वो होगी ना, ब्लैक आइस टाइप है, मॉइस्चर होगा थोड़ा थोड़ा। ये देख वो यहाँ पे कर, पिघल जाएगा तेरे हाथ के इससे गर्मी से। हाँ। चल हाथ फ्री हो गए, लेट्स गो। देखा इसने किसी वुल्फ ने ऐसे किया।
मत कर गाड़ी, मत कर, चल जाए। गाइस ये गाड़ी मैंने अलग से नहीं थी, महंगा पेंट है, इसको कॉल्ड डायमंड फिनिश। नहीं सुबह तक उठ जाएगा गाइस, परमानेंट नहीं रहता। भाई कितने ये देख यार, मोटे मोटे से ठंडा हो, हाँ जम गए सारे। लेट्स गो कुकू स्पाइडर, डरते रहते हो। स्पाइडर है क्या, है ये छोटू सा है, बेबी स्पाइडर। Don't fall. Very good. आया? हाँ या। ले। हट। पागल है? Have it. No no. मैं तो थप्पड़ लगाऊँ तेरे। Coffee. So सुबह वॉक से आके हम दोनों सो गए थे और नहा धो लिए हैं और गाइस मैंने कल ऑयलिंग की है, ऐसे बाल निखर रहे हैं ना कोई हद नहीं है, कर लिया करो थोड़ा सा। ओहो बंदर भी आया पीछे। हेलो। हेलो गाइस। विक्रम और बेताल की जोड़ी, आपको पता है रात को बहुत काम किया, बहुत काम किया, फिर सुबह रात छोड़ो, फिर उसके बाद सुबह जल्दी। ये तो ऑरेंज कलर की ऐसे सैफरन कलर की पजामी पहनी हुई है, ठंड लग रही थी, दो मिल गया पाली, बजरंग दल की लग रही तू। अच्छा उधर तू, मैं को सबसे बात करनी है, मैं दखरा सुनाने का। सुनो जी सुनो। सो मैंने ऐसी मॉर्निंग से बेटर है भी क्या कि सुबह सुबह आप दुखड़े सुनो हम सुने। सुबह तो हुई भी नहीं फूफी, दोपहर हो गई है। मेरे देख मम्मा यही कहते हैं कि मेरा बेटा है ऐसे राजकुमार, तो जब वो उठेगा तभी सुबह। हम वॉकी वॉकी करके 4 बजे वापस आए थे, साढ़े पाँच पहुंचे। और फिर उसके बाद फियांशु कहता तू थोड़ी देर के लिए कुकु सो जा, मैं उठा दूंगा तुझे। मैं सोई 2 घंटे के लिए, फियांशु ने मेरे को उठा दिया 8 बजे, फिर 8 बजे से लेकर 10:30 तक पूरा बढ़िया जोरदार काम किया और जल्दी फिनिश कर दिया। 11 बजे मेरे कमरे में ऐसे वापस आई, फूफू मेरा काम हो गया, मैं सोऊंगी तेरे साथ। फिर मैं सो गई, उसके बाद 1 बजे मीटिंग थी, लेट हो गया, 1:06 पे उठी। फिर वहां जाके गिरी, गाइस कनेक्टिविटी इशू। नहीं ऐसे नहीं, सॉरी सॉरी कट लेट, अरे बताया नहीं क्यों। नहीं नहीं बस ऐसे बोला, ये बढ़िया है यहाँ के लोग ना, इंडिया में तो पूरा पूछते क्यों लेट हुए, नेट गेती डंडी आ रही थी वो भी पता। अच्छा तो अपना राउटर कहीं और ही लगा लो, यहाँ पे बोलते थे इशू था। ओके ओके सुन ना, ओके और सुन। फिर उसके बाद मीटिंग में क्या हुआ, जो मैंने किया सारा कुछ है ना, मैंने कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी। अब उसके बाद वो बहन भी कह रही थी, कहती बस करें सर, मैं अगर मैं सुनता हूँ तेरी सारी मीटिंग। नहीं यार 10 में से 4 नंबर दिए तेरे को मेरे मीटिंग में। उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी थी, उससे डिसाइड हुआ कि हाँ भाई 2 ऑप्शन नहीं लेनी, एक ही लेनी है। लेकिन उसको भी प्रूव करने के लिए 2 और साल के लिए फोरकास्ट करना और काम बढ़ा दिया। और वो पेन पड़ा है अबे? नहीं कोई मार्केट से खरीद के आएंगे आज पेन, तेरे सर पे गधी लिखना है। भूख लग गई है, तू मुझे खा जा। क्या खा रहे ऐसी, अगर शेर बकरी को खाए तो क्या ही बात हो। लॉन्ड्री करने जाना भाई, बट भूख भी तो लग रही है ना, पहले कुछ खाएंगे। चल पैंटीज बना स्वाद से, आज मैडम खाना बनाएंगी। चलो मैं भी धूप लेने बाहर आ गया था और यहाँ की धूप इतनी स्ट्रांग होती है कि अगर आपने ग्लेयर वगैरह नहीं पहने तो भाई आंखें नहीं खुलेंगी, तो मैंने कहा भाई ग्लेयर पहन के धूप ले लें। मैडम एक बात बताओ, इतना सुहाना मौसम है, कहीं बाहर चलने का मूड है आपका? वो पता मेरे ग्रुप वाले तो सारे बाहर जा रहे हैं, कोई नहीं जा रहा। तो पापा भी चलते किसी बीच वगैरह? हम जाएंगे तो फूड टाइम वेस्ट हो जाएगा। एंड गाइस आपको एक और अपडेट देना है, क्योंकि यहाँ पे कोविड के केसेस बिल्कुल ना के बराबर हुए, रिस्ट्रिक्शंस उठ गई हैं, सब कुछ ठीक हो गया, तो मेरे क्लाइंट्स वगैरह ने बोलना शुरू कर दिया या फिर और जितने भी लोग हैं सबने बोलना शुरू कर दिया कि भाई अब फिजिकल मीटिंग करनी पड़ेगी, आपको ऑफिस आना पड़ेगा लोगों से मिलने। तो मोस्ट प्रोबेबली आप मुझे ज्यादा नहीं बट हफ्ते में एक एक बार मीटिंग के लिए बाहर जाता हुआ देखा करोगे, क्योंकि अब क्लाइंट ही जब बुला रहे तो क्लाइंट को कुछ कर नहीं सकते। जब तक काम ऑनलाइन चल रहा था वो भी टेंशन में थे कि भाई नहीं नहीं दूर से ही दूर से ही, तब तक बढ़िया था, बट अब से मुझे भी जाना पड़ेगा। सो शिट शिट मजा आ गया, शिट मैं इतना कंफर्टेबल हो चुका था ना सारे एनवायरमेंट में, बट अब हम गाड़ी शेयर क्या करें। मेरी ज्यादा मीटिंग होती है तब तक मीटिंग होती है जब तक क्लाइंट ने बुलाना होता है, तो कभी उनके ऑफिस में कभी हम मिलेंगे स्टारबक्स वगैरह में ऐसे करके। पैनकेक हो गए हैं रेडी शर्मा जी के लिए, डलेंगे इनमें फ्रूट्स ढेर सारे, कीवी बनाना मेपल सिरप का पूरा डेनिस फेल है शर्मा जी। क्या बात है ये लो। ओ शिट मैन वाह हाथ से खा लो देती हूँ। ओ हो गाइस
टिप बनती है रहती। मैं आज आपको टिप ये दूंगा कि अपने पति का ख्याल रखा करो। बढ़िया हो गया ना डेनिस फेल? सब फेल भाई, सब फेल। $50 कमाए क्योंकि तूने। मजेदार, प्रोटीन भी है, एग्स भी है, मजेदार भाई, मजेदार भी है। 10 pancake और खाऊंगा मैं भी। मेरा तो बस चटे, मैं लोगों से तेरे हाथ कटवा दूंगा आज। कैसे पैनकेक दोबारा ना बने। म्यूजिक लॉन्ड्री के लिए तैयार हो गए। होपफुली होपफुली ये हमारी लास्ट लॉन्ड्री होगी, उसके बाद अपने घर में करेंगे। नहीं क्या नहीं, नहीं। इसके बाद वैसे भी मेरा मन है कि घर पे कर लेंगे, बट अभी भी हम कर सकते थे घर पे क्योंकि मशीन वहां पे है, बट फिर यार घर पे ना बहुत टाइम लग जाता क्योंकि यहाँ पे 1 घंटा लगेगा, घर पे बना 1 घंटा और 1 घंटा लगेगा, 4 घंटे हो जाएंगे टोटल। सो मेनी घंटास। कितना सुंदर दिन है आज, और हम दोनों जा रहे हैं लॉन्ड्री करने। है मैडम थकी पड़ी है बेचारी। सो ये वाला हमारा हो गया, ये हो गया है, एंड देन दिस इज द वन। वहाँ पे एक और ले रहे हैं हम, वो दो है, बट हमें यहाँ लार्ज वाला चाहिए था वो मिला नहीं, तो उस वजह से एक हमारा बड़ा वाला बैग है वो हमारा पेंडिंग है पूरा, तो ये यहीं पे भी पेंडिंग है, जब वो फ्री होंगे तब करेंगे। शाबाश। So, मैं फिर भी आपको सजेस्ट करूंगा, इसमें लगे हमारे टोटल $22 और फ्रेशी में लगते हमारे $25। फ्रेशी खाने वाइज भी बेटर है, मतलब टेस्ट वाइज तो ठीक है बट हेल्दी वो ज्यादा है। ये तो डिफरेंट हो गया ना। हाँ बस इसलिए हमने ले लिया, ये डिफरेंट हो गया ना गाइस, डिफरेंट हो गया ना। इस लड़की को डिफरेंट चाहिए हर रोज, तो ये पता नहीं मेरे से कैसे नहीं बोर हो रही है। कैसे नहीं हो सकती, जोर की से बोलती कैसे नहीं हो सकती, मेरे में पता प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारी है सब एक बात कसम लगे बता रहा हूँ मैं, जनरली तुझे भी कन्फेशन है, सबको कन्फेशन, मेरी इतनी बजी भी होती है ना जब मैं लॉन्ड्री करने आ रहा हूँ, मैं कहता हूँ मशीन मिलेगी, ये होगा, इतनी भागदौड़ होती है ना। कई लोग सोचेंगे कि लॉन्ड्री करने आ रहे हैं कौन सी बहुत बड़ी बात है, भाई मुझे पता है कि मुझे बिना टाइम वेस्ट करे सारी मशीनें ऑन द स्पॉट चाहिए। भाई लॉन्ड्री करते हमें एक सब्सक्राइबर भी मिला, बट शी वॉज वेरी शाय, तो हमने उनको कैमरे में नहीं दिया। पहले मेरे पास आए कहते कैमरा कहाँ है आपका, व्लॉगिंग क्यों नहीं कर रहे आप, मैं कह नहीं वो है मैं वही मशीन में चढ़ गया, नहीं कैमरा कहाँ है आपका, तो मैं कभी निकाल लेता, नहीं मुझे मत रो मैं शायद हूँ, मैं फिर बोल रहा क्यों है क्यों थी। पेड़े पूरे कुड़ी का आई, अभी हमारे 9 मिनट पड़े एक मशीन के, और 3 हो गए, 3-4 मिनट वो देख अच्छा लग रहा है। सारी लड़कियां देख रही हैं, ऐसा लड़का चाहिए था, यही मुंडा चाहिए था। और सारे लड़के देख रहे हैं और कह रहे हैं भाई मत किया कर, हमें भी करना पड़ता है। बस तो ये दूर भाग गया मुझसे कि तेरे पास करूंगा तो मुझे फिर से बोलेगी I love you so much, I love you। अच्छे सारे कच्चे निकाले। तो दोस्तों ऐसे उठाना पड़ेगा आपको, अगर आपके बेसमेंट में नहीं होगा तो ये दिमाग में रखना, जब भी आप रेंट पे बेसमेंट लेने लगो तो दिमाग में रखना ये वाली कॉस्टिंग। हेलो कम ऑन कुकू, शाबाश, आज तो कुकू ब्लैक वाला भी उठा लेगी। क्या कुकू, व्हाट यू डू मैन, व्हाट यू डू नो वंडर सर पे के रखते थे पुराने जमाने में लेडीज, पुराने जमाने में कूली भी, गाइस ये देखो कनाडा से गॉट टैलेंट पे खेले जा रही है। शाबाश लड़की, शाबाश, पता ही नहीं चल रहा भाई कुछ है सर पे, बिल्कुल। सर काफी वेट ले लेता है। Few moments later नीचे तो उतारा नहीं जा रहा, वीडियो नीचे उतार दे और लगा हुआ, द बेस्ट इज येट टू कम। हाय थक गई बहुत।
मुझे कॉफी बना रहा है? नहीं, पावर पफ गर्ल्स बना रहा हूँ, अभी केमिकल एक्स डालेगा। दोस्तों शर्मा जी बहुत देर से कॉल पे हैं। दिखाइयो कल कितनी देर की। 1 hour 37 minutes होल्ड पे हूँ मैं। साथ में। And I'm playing Ludo। और मेरे को कहता कुछ चखने को दे दो। मैंने कहा यार शोर कैरेट्स खाओ। Do you want dip with this? हाँ इसके साथ ही। Oh, I'll give you dip. Hold. तो यार तेरे चक्कर में गलत डीडी चल रही है, पीछे हो जा। Folding चल रही है guys। मैडम फिर से शुरू हो गई है कि मुझे 2 घंटे बाद उठा दियो, इसे उठा नहीं जाएगा। नहीं बुबू प्लीज, मैं तुझे मुझे याद करवा दी कि कुकू तूने अपनी असाइनमेंट करनी है। अगर मैं जा रहा हूँ एडिटिंग करने और कीरत सोएगी 2 घंटे के लिए, उसका कीरत को उठाया जाएगा। उठा देगा ना? हाँ क्यों नहीं उठाऊंगा, याद करा दी कि कुकू कैसे पढ़ाई करेगी। हाँ डोंट वरी, मैं ऐसे उठाऊंगा। ठीक है। सो दोस्तों 3 बजे, इट्स टाइम मैं प्रिंसेस को उठाऊं। प्रिंसेस उठ जाइए। प्रिंसेस चलिए, आपको आपकी करियर बुला रहा है, खड़ी हो जाइए। आधा घंटा आपको पहले ही स्नूज दे दिया मैंने, आधा घंटे से आपका अलार्म बज रहा है। अब आप मेरे को बाहर चाहिए, और बाहर सबसे पहले आप अपना मुंह धो ताकि आपकी नींद उड़े, समय आ गया? वरना हम धुला दें। छप्पन छुरी काय की दूरी। बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए वॉशरूम में जाओ और मुंह धो पहले। समझ में आई क्या? मुझे बताएगा तू? चला तेरे से जा नहीं रहा। चल गोजी। सो कीरत को उठा दिए, मेरी एडिटिंग खत्म होने वाली थोड़ी देर में। आप इस वीडियो की मोटिवेशन के लिए प्लीज लाइक बटन पे क्लिक कर देना, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों को बताओ इतने अच्छे प्यारे से चैनल के बारे में, सो दैट हमारी फैमिली और बड़ी हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। कर दो यार सब्सक्राइब।